गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पीछे जो है पढ़ा कि किस तरह से जो है हम सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया जो है सिंपल सेंटेंस बना रहे थे। आज जो है आपका उसी टॉपिक सेंटेंसेस से है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर हम एक जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस जो बना रहे थे वो अलग था, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें क्या होता है। पहला नंबर, इसमें दो ही चीजें होती हैं, एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा नंबर होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लास को हम प्रधान उपवाक्य और सबऑर्डिनेट क्लास को हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक अगर सेंटेंस दिया है तो यह तय है कि उसमें एक आपका प्रिंसिपल क्लास होगा और दूसरा जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लास होगा। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन जो है प्रिंसिपल क्लास है और कौन आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लास है। तो प्रिंसिपल क्लास वह क्लास होता है जो आपको पूर्ण अर्थ प्रदान करे, यानी इस वाक्य से प्रिंसिपल क्लास से हमें जो है पूर्ण अर्थ मिलेगा, लेकिन जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है वह आपको अर्थ पूर्ण नहीं देगा, बल्कि उसे अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी जो है दूसरे वाक्य की जरूरत पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल में हम आप लोगों को एक बता रहे हैं, यहां एग्जाम्पल में द न्यूज डायट द न्यूज डायट डाइड ई रान। यहां हम देख रहे हैं कि द न्यूज डायट ही है डाइड इज रान आपको दिया गया है। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो एक हमारा प्रिंसिपल क्लास बन जाएगा और एक हमारा जो है सबऑर्डिनेट क्लास होगा, यानी प्रिंसिपल क्लास में यहां आपका यह होगा द न्यूज इज रॉन्ग, यानी समाचार जो है गलत है, आपको यह जो है पूर्ण अर्थ दे रहा है, लेकिन जो दूसरा हमारा वाक्य है दाएं आपका दूसरा वाक्य है, यह आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि ही हैज डाइड वह मर गया, यानी कि वह मर गया या मर चुका है। इसके लिए ऐसा आपको लग रहा है कि किसी और जो है अर्थ की यानी वाक्य की जरूरत है। तो इस प्रकार से आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक आपको प्रिंसिपल क्लॉज मिल जाएगा और दूसरा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। यह आवश्यक नहीं है कि आपको केवल एक ही सबऑर्डिनेट क्लॉज मिले, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है कई तरह से होते हैं या कई जो है मिल जाएंगे। अब आगे हम चल रहे हैं, देख रहे हैं कि जो हमारा यह आपका जो कॉम्प्लेक्स
आपने एक सेंटेंस बनाना है, उसे जो है किस प्रकार से बनाया जाए, तो आप जो जो है कंजक्शन के बारे में पढ़े होंगे उसमें एक आता है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन और दूसरा आता है आपका सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। तो जो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है उसके द्वारा जो है हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, और जो हमारा सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है उसके द्वारा हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो अब हम यह देखेंगे कि जो हमारा सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन है वह कैसे बनता है। तो सब ऑर्डिनेटिव जो कंजक्शन होते हैं, सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन तीन प्रकार के होते हैं, यानी जो हमारे सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन है वह तीन प्रकार के कंजक्शन से बनाए जाते हैं। पहला नंबर आपका है नाउन क्लॉज, दूसरा नंबर है आपका एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा नंबर है आपका एडवर्ब क्लॉज। यानी इन तीनों से ही आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। नाउन क्लॉज का प्रयोग करके बना सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके बना सकते हैं और एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो अब हम आगे बताएंगे कि आपको जो है नाउन क्लॉज का प्रयोग करके किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं, यानी नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। इसमें हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से नाउन क्लॉज का हम प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो हिंदी में जो कंजक्शन को से प्रारंभ होते हैं उनके द्वारा ही हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपका है डायट, वॉट, ईट या विदर, क्या है और इसके बाद में इट या वेदर की क्या हो की कौन
हाउ की कैसे व्हेन की कब वेयर की कहाँ। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो भी नाउन क्लास में कंजंक्शन आ रहे हैं वो जो है हिंदी में उच्चारण करने पर क से प्रारंभ हो रहे हैं। अब इतने सारे जो है कंजंक्शन है लेकिन हमें जो है इसे कब कहाँ प्रयोग करना है इसके बारे में जानने के लिए आप लोगों को आवश्यक है। नहीं तो आप जो है कौन कंजंक्शन कहाँ लग रहा है कौन कहाँ लग रहा है आप जो है लगा नहीं पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट के बारे में। सबसे पहला हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट, यह जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है और यह जो है अधिकांश वाक्यों में लगता है। तो हम जो है जब हमें दो एसआरटी सेंटेंस मिले, जब दो एसआरटी सेंटेंस मिले या दो से अधिक एसआरटी सेंटेंस मिले तो यदि उनके अंत में आप लोगों को इट सो दैट दिस का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों में हम जो है दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। यह आपको जरूरी नहीं है कि आपके अंत में ही इट मिले सो मिले दैट मिले इस मिले, कभी कभी यह जो है वाक्य के प्रारंभ में भी मिल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को हम बता रहे हैं जैसे वी विल सक्सीड, पुनिश्चा दूसरा हमारा वाक्य है वी हो सो। वाक्य दिखाई दे रहा है आपको, किसी एक वाक्य में यहाँ पर सो शब्द लगा है तो जिसमें जो है सो शब्द लगा है उसको हम जो है आगे करेंगे, यानी लिखेंगे वी हो डाइट वी हो सो फाइट वी हो सो डाइट ही वी सक्सीड। इस तरह से हम जो है डाइट का प्रयोग करेंगे। और जैसे मैं आपको हम एक वाक्य और बता दे रहे हैं इट इज गोइंग टू रेन, दूसरा हमारा वाक्य है आई एम श्योर आई एम श्योर, यह हमारा वाक्य इट इज गोइंग टू रेन, वर्षा होने जा रही है आई एम श्योर मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अब जो है इसमें आपको ऐसा वाक्य मिला है कि इसके न तो अंत में इट लगा है न तो सो लगा है न तो दिस लगा है अथवा न तो डैट लगा है, लेकिन हम वाक्य के प्रारंभ में देख रहे हैं कि इट लगा है तो हम ऐसे वाक्यों को भी जो है डैट कंजंक्शन से जोड़ेंगे। इसका हो जाएगा आई एम श्योर डैट इट इज गोइंग टू रेन। अब हम इसी पर रिलेटेड आप लोगों को होमवर्क दे दें और आप जो है जो भी आपको परेशानी हो दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
लेकिन आपको यह रूल्स जानने के लिए